हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनालिसिस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 18, जिसमें हम इलेक्ट्रो ऑफ द सिस्टम इन इंडिया के विषय में चर्चा करेंगे, यानी भारत में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CBSE से पढ़ रहे हो, चाहे NIV से पढ़ रहे हो, चाहे UP बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में इलेक्ट्रो सिस्टम इन इंडिया है या चुनाव प्रक्रिया भारत में है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये चैप्टर कई मायने में और भी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत होता है, साथ में ये डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो इसलिए जो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए, और समझना भी आपके लिए आसान रहेगा। आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनालिसिस सेंटर जो है कई मायने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIUS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA, MA के बच्चे हों, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनालिसिस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे आई हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डूइंग हेयर अ इलेक्ट्रो सिस्टम इन इंडिया। देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट अराइव हेयर अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर इज ऑल क्लास स्टूडेंट देयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज 11th ऑल्सो द CBSE बोर्ड। That is of the Indian Constitution attached special significance to be independent electoral machinery for the conduct of election. The Constitution of India provides for an election commissions of India which is responsible for superintendence of direction and control of all the election. It is responsible for the conducting election to the both the house of the parliament and the state legislatures, and for the office of president and vice president also, and besides it is the also responsible for the preparation of the revisions and the updation and maintenance of the list of the voters. It is the limits of constituency for the election to be parliament and state legislature of fix the elections program and the schedule election the depture. It will perform many other functions related to the elections. Then next point here, a composition. The election commission is a consist of the chief election commissioner and such other election commissioner as may be decided by the president for the time to time. Even since the first chief election commission was the appointment in 1950, there was no other election commissioner till 1989. The chief election commissioner was the assistant by the large number of officially. The election commission became a multi-member body on 16 October 1989 when the president appointed two or more election commissioner. The senior of the two election commissioner is appointed by the chief election commissioner, and the next year tenure and removal of election commissioner. That is the most important here. A chief election commissioner and the other election commissioner are appointed for a term of 6 years. There is a long term, 6 years is the most important here. Till the age of 65 is which clever and it is earlier. It is important the chief election commissioner and other election commissioner should be free from all political interference. Therefore, even if you are appointed by the president, they cannot be removed by him. And no change can be brought in the condition of service and the tenure of the office
आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एंड एक्सपेक्ट ऑन द ग्राउंड एंड इन द मैनर ऑफ विच द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड हाउएवर साइन द अदर इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर वर्क अंडर द चीफ कमिश्नर एंड दे मे बी अ रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर द प्रेसिडेंट आर रिमूव बाय द रिकमेंडेशन फॉर इंपॉर्टेंट हियर आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारत का निर्वाचन आयोग देखिए इलेक्शन कमीशन जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो CBSE में पढ़ते हैं प्लस NIS बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है ठीक है और इसके बारे में जानना भी आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा तो इसको समझना आपने बहुत ध्यान से है कि आखिर इलेक्शन जो निर्वाचन आयोग होता है यानी इलेक्शन कमीशन होता है उसका क्या वर्क फंक्शन होती है कहते भारतीय संविधान निर्माताओं ने चुनाव करवाने के लिए एक जो स्वतंत्र चुनावी मशीनरी का विशेष महत्व दिया था देखिए चुनाव आयोग अगर किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी के अधीन रहेगा तो ये जो है निष्पक्ष चुनाव करवाने में सफलता नहीं प्राप्त होगी इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात पे बहुत ही जोर दिया कि हमें जो है चुनाव करवाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें जो है पार्टियों का कोई भी नियंत्रण न हो तो इसलिए जो है इसको स्वतंत्र बनाया गया कहते भारत संविधान में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है जो सभी चुनावों के निरीक्षण निर्देश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है यह संसद के दोनों सदन विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए भी उत्तरदायी होता है इसके अतिरिक्त यह मतदान सूची बनाने उन्हें संशोधित करने तथा मतदान सूचियों के रख रखाव के लिए भी उत्तरदायी होता है यह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए चुनावी क्षेत्र जो है परिसीमित करता है चुनावी जो है कार्यक्रम निश्चित भी करता है और चुनावी जो है विवाद सुलझाता भी है यह चुनाव से संबंधित अनेक कार्य भी करता है देखिए भारत में निर्वाचन जो आयोग है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और कहते हैं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये सदैव अग्रसर होता है कहते हैं अगर वहाँ पर म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन क्यों ना हो या सरपंच का इलेक्शन क्यों ना हो हर इलेक्शन में जो होती है निर्वाचन आयोग अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और निष्पक्ष दिया जाता है आपने राजनीतिक में भी सुना होगा कि चुनाव आयोग इसके खरीद लिया है इलेक्शन जो है इसके वोटिंग में जा रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं प्रावधान ये आपको सिर्फ नेता लोग मूर्ख बनाने के लिए जो है ऐसे ऐसे भाषण देते रहते हैं और TV पे ऐसे ऐसे प्रचार करते रहते हैं कि चुनाव आयोग को तो है BJP ने खरीद लिया कांग्रेस ने खरीद लिया आम आदमी पार्टी ने खरीद लिया ऐसा कुछ भी नहीं है चुनाव आयोग सदैव स्वतंत्र रहता है और ये निष्पक्ष चुनाव करवाता है ठीक है कोई पार्टी अगर हार रही होती है तो उसका ठिकरा जो होता है किसी न किसी पार्टी पे तो फोड़ना ही होता है तो ये कहते हैं कि EVM मशीन खराब है उस पर दबाओ तो उसी को वोट जाता है तो ये सारे न्यूज़ जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो फेक न्यूज़ होता है और ये सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इनका सबसे बड़ा अच्छा एजेंडा बना लेते हैं तो ये सारे चुनाव आयोग यही बात समझाने की कोशिश करता है कि चुनाव आयोग सदैव स्वतंत्र रहता है और ये किसी भी पार्टी के अधीन नहीं होता है और इसको कोई पार्टी हटा भी नहीं सकता क्योंकि इसकी जो कार्यकाल है एक मंत्री से भी अधिक होता है यानी 6 साल के लिए इसकी कार्य व्यवस्था रहती है ठीक है कहते हैं महाभियोग लगा के ये इसको हटाया जा सकता है जो कि बहुत बड़ी प्रावधान है महाभियोग लाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों इसलिए आप सदैव याद रखना कि चुनाव जो होती है निष्पक्ष होती है और ये स्वतंत्र होना हमारे देश जो कहते हैं लोकतांत्रिक देश है इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है यदि बात यहाँ पर करें संगठन की देखिए निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत चुनाव आयुक्त होते हैं कहते हैं 1950 में प्रथम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद से कहते हैं 1989 तक कोई अन्य चुनाव आयुक्त नहीं था यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखिए कितना लंबा सफर के बाद है जो है कहते हैं कोई भी चुनाव आयुक्त नहीं था मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए काफ़ी संख्या में अधिकारी होते हैं जैसे निर्वाचन आयोग के 16 अक्टूबर 1989 के जो है बहु सदस्य बना दिया गया यानी 16 अक्टूबर को जो है काफ़ी हेल्प करने के लिए बहुत ही पार्टी जो है बहुत सदस्य बना दिया गया जब राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए चुनाव आयुक्तों में वरिष्ठ और मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने का प्रावधान भी लागू किया गया उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्यकाल और हटाया जाना देखिए चुनाव आयोग के कार्यकाल क्या होते हैं और इसको हटाने का क्या प्रोविजन है यह जानना भी आपको लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को 6 वर्ष की कार्य अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक प्रावधान है रखने की जो पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता था
यह आवश्यक है कि जो है मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त अभी सभी प्रकार के राजनीतिक जो है शेप से मुक्त होने चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको राजनीतिक हस्तक्षेप से सदैव मुक्त रखा जाता है, क्योंकि उनको जो है निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है। अगर वो कहते हैं राजनीतिक लोगों के अंडर काम करेंगे तो वो कब सभी हमेशा दबदबा में रहेंगे। इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग सभी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। इसलिए भले ही वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हो परंतु फिर भी वह उन्हें हटा नहीं सकता है, और उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तें और उनकी कार्य अवधि में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। देखिए कभी आपने देखा ही होगा कि कोई पुलिस अफसर अच्छा काम कर रहा होता है तो मंत्री लोग क्या करते हैं, उसको तबादला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। उसको कहते हैं कि उनको नियुक्ति के बाद उनको सेवा शर्तों के उनकी कार्यविधि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाए जाने वाले प्रक्रिया को अपनाया बिना नहीं हटाया जा सकता, परंतु अन्य चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे काम करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पे भी हटाने का प्रावधान है, लेकिन कहते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है वही प्रावधान जो है यहाँ पर चुनाव आयोग को जो है मुख्य न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रावधान किया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अराइव हेयर, आर पावर्स आर फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। वट इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हेयर? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। फॉर द पर्पज द इलेक्शन कमीशन हैज अ फॉलोइंग फंक्शन हेयर। द फर्स्ट हेयर इज अ डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी हेयर, डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी हेयर। द फैसिलिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड कंट्री हैज टू बी डिवाइडेड इंटू सर्वल कॉन्स्टिट्यूंसी। द कॉन्स्टिट्यूंसी हेयर इट इज अ टेरिटरी एरिया फ्रॉम वेयर इज अ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। The task of the delimiting of constituency are generally performed by the delimitation commission or constituency of five serving of the entire judge of the Supreme Court and the chief election commissioner who is it is the ex officio member. All the secretary is assistant at all level of national state district is provided to be a delimitation of commission by election commissions. And the delimitation of commission is constituted by their government from time to time. The next year, preparation of the elector rolls. The each constituency has a comprehensive list of the voters is known as the elector rolls or the voter list. There is a call to the elector roll, yeah, voter list. The commission prepared to elector rolls of parliament as well as a legislative assembly election. The elector rolls of every constituency are contained to the name of all the person who have a right to vote in that constituency. Their elector rolls is also revised from time to time and generally before every is a general election, by election and the midterms election in the constituency. There is a one important here, a table. The table here arrive a general election. A election to the consist a new Lok Sabha or assembly is the called general election. By election mean if at any time there is a midterm vacancy due to the death of resignation of a member, neither in Lok Sabha or legislative assembly, only one seat fall vacant, the election for that seat is known as the by election. And here midterm election here. So what do you mean to midterm election here? If the Lok Sabha or state assembly is dissolved, therefore the composition of the 5 year and the election is held to the constituencies or new Lok Sabha, new state assembly, etc. is called to the midterm election. The revision is carried out for the house to be house by their enumerators and appointed by election commission, and all the eligible voters are registered. A person can be registered as a voter if UCC is a fulfill the following condition. And the first condition here, he she is a citizen of India, and he she is a 80 years of age, and he she is a resident of constituency. The next function here, recognition of the political party. One of the important function of the election commission here is to recognize a political party
एज ऑल इंडियन मीन्स नेशनल एंड स्टेट रिलीजन इज अ पोलिटिकल पार्टी इफ इन अ जनरल इलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पार्टी गेट अ 4% ऑफ द टोटल वैलिड वोट द वोट इन एनी 4 स्टेट इट इज रिकॉग्नाइज एज ऑन ऑल द इंडियन नेशनल पार्टी इफ अ पार्टी गेट अ 4% ऑफ द टोटल वैलिड वोट इन अ स्टेट इट इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट आर रिकॉग्नाइज पार्टी यू विल बी रीड इन अ डिटेल्स अबाउट द योर पोलिटिकल पार्टी इन द फ्लोइंग लेसन 19 द इंडियन नेशनल कांग्रेस द भारतीय जनता पार्टी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज अमेरिक्स एंड द बहुजन समाज पार्टी एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आर एट द प्रेजेंट ऑफ 2006 मेजर रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी हियर देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टी इज अराइव हियर द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द इलेक्शन कमीशन हियर अ पोलिटिकल पार्टी हैव अ सिंबल विच आर अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर एग्जाम्पल हैंड इज द सिंबल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लोटस इज द सिंबल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड द एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी एंड दिस सिंबल्स आर सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लोइंग रीजन द फर्स्ट रीजन हेयर दे आर द हेल्प फॉर द लिटरेट ऑफ वोटर्स हु कैन नॉट बी रीड नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सेकेंड हेयर द हेल्प इज अ डिफरेंटेड बिटवीन द टू कैंडिडेट हैविंग द सेम नेम हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य कहते हैं शक्ति और जो कार्य हैं कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन भी करना है और समझना भी है कहते हैं चुनाव आयोग का प्राथमिक कार्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का है क्योंकि प्रावधान भी किया गया है इस हेतु निर्वाचन आयोग के जो है कुछ कार्य यहाँ पर हमारे समक्ष आया है चलिए देखते हैं कार्य क्या है देखिए प्रथम कार्य तो यही होता है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना यानी चुनाव प्रक्रिया के जो है सुविधाजनक बनाने के लिए देश के अनेक चुनावी क्षेत्र में बांटना होता है और कहते हैं अगर चुनाव क्षेत्र की बात किया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रत्याशी चुनाव लड़ता है यानी कोई भी कैंडिडेट जो होता है चुनाव लड़ता है चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का काम आम तौर पर परिसीमन आयोग करता है जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय के 5 जो है सेवानिवृत्त अथवा सेवरत न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त का मतलब होता है जो कार्य नहीं कर रहे होते हैं और सेवारत का मतलब होता है जो सेवा में लगे हुए हैं यानी न्यायाधीश होते हैं जो सेवा भी कर रहे होते हैं ड्यूटी पे होते हैं तथा मुख्य चुनाव आयुक्त इसका जो है पदेन सदस्य होता है परिसीमन आयोग को सभी प्रकार की सचिवालय सहायता यानी निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है और परिसीमन आयोग का समय समय पर सरकार द्वारा गठित भी किया जाता है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है चुनाव क्षेत्र के परिसीमन करना उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट मतदाता सूची तैयार करना देखिए प्रत्येक क्षेत्र की एक विस्तृत मतदाता सूची होती है और इसे हम मतदाता सूची भी कहा जाता है कहते हैं मतदाता सूची से आप भली भांति परिचित भी हो गए अगर आप देखोगे कि जब भी इलेक्शन का समय होता है तो आपके घर के आसपास आपको कुछ व्यक्ति दिखेंगे जिनके हाथ में वोटर लिस्ट कार्ड होता है वो व्यक्ति जो होते हैं आपसे आपके परिवार के नाम पूछते हैं कि यह बंदा यहाँ रहता है कि नहीं रहता है उसी पे वो टिक लगाते हैं यानी वो मतदाता सूची होती है जहाँ पर आपकी सारी बातें जो है इन्फॉर्मेशन होती है कहते हैं निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करते हैं और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में उन सभी व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं जो उस चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखते हैं मतदाता सूची का समय समय पर प्रायः साधारण चुनाव उपचुनाव और मध्यवर्ती चुनावों में पूर्व संशोधित भी किया जाता है जिसके मैंने अभी बताया है कि समय समय पर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि ये व्यक्ति यहाँ पर अभी रह भी रहा है कि नहीं रह रहा है ठीक है तो ये सारी व्यवस्था जो है चुनाव मतदाता सूची तैयार करना सब इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही आता है अगर हम आगे देखें तो आपको एक टेबल दिखेगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है तो इस टेबल के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा है आम चुनाव देखिए आम चुनाव होते ही है नई लोकसभा तथा विधानसभा गठित करने के लिए होने वाले चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं यानी ये लोकसभा और विधानसभा गठित करने के लिए चुनाव करवाई जाती है दूसरा जो होता है उपचुनाव इसका अर्थ यही होता है कि यदि किसी समय लोकसभा अथवा विधानसभा के कार्यकाल के बीच किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने स्थान रिक्त हो जाता है तो उस स्थान सीट के लिए होने वाले चुनाव को हम उपचुनाव के नाम से जानते हैं यानी ये
दो ही कंडीशन में जो होता है उपचुनाव करवाई जाती है, या तो व्यक्ति त्याग पत्र दे देता हो या मृत्यु हो गया हो। आपने देखा ही होगा जब आम आदमी पार्टी पहली बार जीत हासिल किया था तो 39 दिन के जो है समय अंतराल में जो है त्याग पत्र दे दिया था, तो इसमें जो है कुछ दिनों के बाद दोबारा से वहाँ पर इलेक्शन करवाया गया, तो ये भी एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकती हो। उसके पश्चात है मध्यवर्ती चुनाव। कहते यदि लोकसभा तथा अथवा राज्य विधानसभा के 5 वर्ष की कार्य अवधि से पूर्व भी भंग कर दिया जाता है और नई लोकसभा अथवा विधानसभा गठित करने के लिए होने वाले चुनाव को हम मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं, यानी मध्य ही, यानी समय काल खत्म होने से पहले चुनाव करवाने जाने के प्रावधान को हम मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। यानी कोई चुनाव तब होता है अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी लगा दिया जाता है या सरकार को भंग कर दी जाती है, तो इस अवस्था में जो है मध्यवर्ती चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया है। क्योंकि इससे क्या होता है कि मध्यवर्ती चुनाव से वहाँ पर जो होता है जो भंग हो गया होता है लोकसभा राज्यसभा विधानसभा को फिर से गठित करने का ये प्रावधान बनाया गया है। देखा जाए तो यह चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त जो है संघों को द्वारा घर घर जाकर संशोधित किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि उस व्यक्ति के पास जो होता है वोटर लिस्ट होता है और समय समय पर सारी बातें और इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और सभी योग्य मतदाताओं का जो है पंजीकृत करना उसका दायित्व होता है। किसी व्यक्ति को मतदाता जो है रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि वो कुछ बातों को जो है योग्यता रखता हो। देखिए कोई भी व्यक्ति जो मतदान सूची में हो सकता है वो भारत का नागरिक हो, ये सबसे पहली प्रावधान बनाई गई है। उसकी आयु 18 वर्ष का हो चुका हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। वो उस चुनाव क्षेत्र का निवासी हो तभी जो है उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है। तो ये 3 बातें जो है होना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप जो हो पंजीकृत के लिए तैयार हो। उसके पश्चात अगली पॉइंट आती है राजनीतिक दलों के मान्यता। देखिए ये भी चुनाव आयोग का जो है कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही आता है कि राजनीतिक दलों को जो है मान्यता देना। कहते निर्वाचन आयोग का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों को अखिल भारतीय राष्ट्रीय अथवा राज्य यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना भी जो है चुनाव आयोग का कार्य ही होता है। यदि किसी जो है साधारण चुनाव में किसी दल विशेष को किन्हीं 4 राज्यों कुल वैध मतों का 6% प्राप्त होता है तो उसे उल्लेखित भारतीय राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी कम से कम जो है इसको जो है 6% प्राप्त करना जरूरी होता है, यानी 4 राज्यों में कुल जो है वैध मतों के 6% प्राप्त करना जरूरी होता है, तब जाके उसको जो है भारतीय राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता दे दी जाती है। यदि एक दल को एक राज्य में बड़े वैध मतों का जो है 4% मिलता है तो उसे प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। आप राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से जो है हम 19 चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो आप इस तरह त्रिपाणि से देखते रहें जो अगला टॉपिक भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि उसमें हम राजनीतिक दलों के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें सबसे पहले आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी के रूप में देखा गया है। बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी वर्तमान में प्रमुख राष्ट्रीय दल है। यानी ये सारे जो आपके समक्ष जो नाम मैंने बताया वो सब नेशनल लेवल पे जो है अपना दबदबा बना रखे हैं। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो पता ही होगा जो कांग्रेस पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो है काफ़ी बोलबाला चल रहा है। तो ये सारे पार्टी भी है, प्लस जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी हो गया या बहुजन समाज पार्टी हो गया, राष्ट्रवाद पार्टी हो गया, ये भी पार्टी है और भी पार्टी है जो कि अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है हमारे भारतीय जो है पॉलिटिशियन में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ये भी कार्य जो होता है चुनाव आयोग के समक्ष जो आता है कि चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों के पास चुनाव आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है हाथ है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल है, और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है हाथी है। ये चुनाव चिन्ह कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए ये चिन्ह क्यों दिया जाता है, इसके कई कारण हैं, क्योंकि चिन्ह न होने से क्या क्या समस्या आएगी ये भी बहुत बड़ी बात आ जाती है। तो देखते हैं कि इसका चुनाव न होने के कारण और होने के कारण क्या इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसके दो ही जो है प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए निरक्ष मतदाताओं को, ये जो साक्षर नहीं है, ठीक है, उन मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण एवं सहायक होता है जो उम्मीदवार के नाम भी नहीं पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि भारत में लिटरेसी दर जो है यानी साक्षरता दर है वो बहुत ही बुरी अवस्था में है। यहाँ पर अगर लोग पढ़ भी लिख लेते हैं फिर भी उनको नाम तक पढ़ने नहीं आता है। इवन आपने देखा होगा कि वोटर कार्ड में बहुत से नाम गलतियाँ भी होती है, तो इसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ, या तो वो अनपढ़ होते हैं जो बैठे पड़े रहते हैं। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भारत में इतने व्यक्ति जो है साक्षर नहीं होते हैं,
ठीक है, जनता की बात क्या करोगे। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े मैंने देखा है ऑफिसों में भी नाम की इतनी गलतियाँ होती है, तो मुझे तो ये लगता है कि लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। इवन कि अगर आप नाम लिख के भी दोगे फिर भी नाम पता नहीं कैसे गलत करके वो भेज देते हैं। तो ये बड़ी बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है भारत के लिए और बहुत ही बड़ा है आम जनताओं के लिए समस्याओं के रूप में। कहते हैं अगर भारत में देखा जाए तो बहुत से व्यक्ति जो है निरक्षर हैं, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है, तो वो लोग कैसे पहचान लेंगे कि जिस पार्टी को वोट देना चाहते वही पार्टी है। इसलिए चुनाव चिन्ह होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तो नाम पढ़ नहीं सकते लेकिन चुनाव का जो चित्र है, जो उनका सिंबल है, वो देख तो ज़रूर सकते हैं ना। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। यह एक नाम वाले दो उम्मीदवारों के बीच अंतर करने में भी सहायक होता है। मान लीजिए कोई क्षेत्र में अगर एक ही नाम के दो बंदे हैं तो उसका पहचान कैसे होगा? तो उसका पहचान चुनाव चिन्ह से होगा, क्योंकि वो कांग्रेस का होगा या बीजेपी का होगा या बहुजन समाज पार्टी का होगा। अगर नाम एक ही है लेकिन सिंबल तो अलग अलग होगा ना कि किस दल से वो जो है वोट लड़ रहा है। तो ये सारी बातें जो होती है यहाँ पर चुनाव चिन्ह देना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपानश्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपानश्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।